वर्ड अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन, आज फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले यहाँ पर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि यकम अप्रैल 2020 को फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को बाज़ाबता एक हुक्मनामे के तहत कंपनी के सूरत में वजूद में लाया गया। अगरचि उस वक्त सरकार ने हमें एतमाद में नहीं लिया और अपने बल बोते पर फैसला है जो एक तरफा है। आज यकम अप्रैल से मुलाजमीन 4 महीने के तनख्वाह के लिए वागुजार करने के लिए तरस रहे हैं। अगर जो बारहा हमने सरकार की नोटिस में लाया, मैनेजमेंट की नोटिस में लाया, मगर आज तक सरकार टस से मस नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे मुलाजमीन जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। 70 पे कमीशन का नहीं कहीं नाम निशान नहीं है। अगर जो तमाम सरकारी मुलाजमीन और कुछ पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन 70 पे कमीशन ले रहे हैं, SFG को आज तक वो लागू नहीं किया गया, न DPC का कहीं नाम निशान है, न डेलीवेजनों की रेगुलराइजेशन है। हद तो यह है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन खाली मुलाजमी के लिए नहीं है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में दूर दराज इलाकों में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, जो ठेकेदारों के साथ निकासी का व ढुलाई का काम जंगलों में कर रहे हैं। ठेकेदारों को भी 6 महीने से पेमेंट रिलीज नहीं हुई है। हम इसलिए LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तहकीकत कराएं और इसमें ज्यादा मुदाखलत करके हमारे 4 महीने का तनख्वाह वागुजार कराएं, ठेकेदारों के हक में पेमेंट वागुजार कराएं, क्योंकि अगर ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज हो गई हजारों मजदूर बच जाएंगे। उनका वाहिद सहारा उन दूर दराज जंगलों में खाली लकड़ी का काम है, निकासी व ढुलाई का काम है। इसलिए एक बार फिर मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए और हमारे हक में जो तनख्वाह बंद है उसको वागुजार किया जाए।